ताकि जो सेंटेंस है उसका मीनिंग ज़्यादा क्लियर हो इट इज इट हेल्प्स इट ऑल्सो हेल्प्स टू डोनेट द पॉजिज एंड इंटोनेशंस टू बी यूज व्हेन रीडिंग अलाउड ये इसलिए भी काम आता है कि जब हम ज़ोर से रीडिंग करते हैं अलाउड रीडिंग करते हैं तो उसमें हमें कहाँ पर पॉज लेना है ये सब चीज़ें पंचुएशन मार्क्स हमें बताते हैं द मेन पंचुएशन मार्क्स आर फुल स्टॉप Comma, question mark, semicolon, colon, inverted commas, which are also called quotation marks, hyphen, apostrophe, exclamation mark, and dash that you usually see in the fill in the blanks. Chale, let's start. I'm giving you a brief explanation of the same. Full stop is यूज ऐट द एंड ऑफ असरटिव एंड इम्पेटिव सेंटेंसेस फुल स्टॉप जो है वो असर्टिव और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पर लग के लास्ट में लगाया जाता है एंड विद एब्रीवेश या जहाँ पर एब्रीवेश यूज़ की गई हों क्वेश्चन मार्क इज़ यूज ऐट द एंड ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज यानी जो सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें क्वेश्चन मार्क का किया यूज किया जाता है एंड में ई कोमा इज यूजली यूज टू डिनोट आ पॉज टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ वर्ड्स और फ्रेज़ेस इन असेंट है कोमा इसलिए यूज किया जाता है इसलिए डिनोट किया जाता है ताकि किसी को सेंटेंस में पॉज मिले और उसे ये पता चले कि ये वर्ड और फ्रेज़ जो है सेंटेंस में वो इस सीरीज से अलग है